कि अपना खाना है वो साथ लेके आना, यहाँ अंदर कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। स्टाफ स्टाफ बहुत अच्छा है, एकदम अच्छा व्यवहार कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मार मुर कुछ नहीं रहे हैं, आप अच्छा व्यवहार करेंगे आपके साथ, बस आप अपनी मेहनत से आना। नमस्कार जय हिंद साथियों। तो अभी अभी ग्राउंड से बच्चे बाहर निकल के आए हैं और मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ श्री गंगानगर के जो श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम है उसके बाहर। इन बच्चों की जो फिजिकल है वो चल रहा था अभी, और आज जो बच्चे बाहर निकल के आए हैं वो पांचवे बैच से बाहर निकल के आ चुके हैं। इनसे बात करते हैं क्या क्या अंदर एक्टिविटी हुई, इन्हें रनिंग कैसे की, कंप्लीट जानकारी लेंगे आज की वीडियो में। भाई क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप है भाई साहब। भाई तुम्हारा? मेरा नाम उमेश सिंह शेखावत है। मेरा नाम विकास कुमार। भाई आप पांचवे बैच में रनिंग किए? सर पांचवे बैच में थे। आप एक्सीलेंट थे या गुड? गुड थे सर। आप? सर मैं गुड था, एक्सीलेंट था। एक्सीलेंट था, आप आगे हो तो थोड़ा और। और तुम भाई? गुड। तुम गुड भाई, एक्सीलेंट लगाया, बहुत अच्छी बात है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक्स भाई यार। नंबर तो नहीं जुड़े लेकिन फिर भी अच्छी बात है, आपने एक्सीलेंट लगाया। तो कितने लड़के पकड़े भाई? 26 बंदे पकड़े थे। 26 के 26 लड़के, तो सबको फिट किया गया, किसी को बाहर नहीं निकाला। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चेक किया गया? डॉक्यूमेंट में सर ये 10वीं 12वीं मार्कशीट और आपके जाति मूल आधार कार्ड और ये और एक जो आधार कार्ड होता है उसमें आपके जो मोबाइल नंबर जुड़े हैं ना वो मोबाइल साथ में लाना है, क्या कि वो ओटीपी आता है ना उसमें बहुत, यदि मोबाइल जैसे कई कई घर वालों का मोबाइल का नंबर जुड़े होते हैं वो घर पे छोड़ जाते हैं अपने वाला लिया, तो वो जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हैं तो वो सिम जरूर लानी है आपको, वहाँ पे बहुत काम आएगी, वरना दिक्कत आएगी। तो देखो ऐसा है जिसके माता पिता के नंबर जुड़े हो, किसी के भी फैमिली में किसी के भी नंबर जुड़े हो तो वो मोबाइल घर पे है तो कोई इशू नहीं, लेकिन फोन करके आप पूछ सकते हो। बिल्कुल सर, ठीक है ना। और मैंने इस आधार ओटीपी के लिए मैंने वीडियो भी बनाई अलग से कि किस नंबर पे ओटीपी जाएगा, दूसरे नंबर से बात हो रही है तो ओटीपी नहीं जाने वाला, वो बहुत सी समस्या का सामना करना पड़ता है फिर अंदर। तो फौजी भाई कई बार धमकाते भी, हम मोबाइल साथ नहीं लेके आते, अपना ध्यान नहीं रखते क्या क्या डॉक्यूमेंट है उसका। और भाई ग्राउंड कैसा था अंदर? ग्राउंड सर बढ़िया था, एकदम ग्राउंड अच्छा था। अच्छा, कितना टाइम आया आपका रनिंग में? रनिंग में 5 मिनट। 5 मिनट से लगभग सभी का? हाँ, 5 मिनट, 5, 10। और टोटल कितने बैच बने थे आज? आज 5 टेक्निकल के बने थे। टेक्निकल नहीं, कल रखे। हो रहा है। और आपको मेडिकल के लिए क्या क्या एक्टिविटी बताई गई, क्या क्या साफ सफाई करके आनी है? साफ सफाई तो देखो जो दैनिक है वही करनी पड़ेगी आपको, पता है। और कानून ये इनके सफाई सफाई थोड़ी मोड़ी करनी है जिससे कि डॉक्टर को संदेह ना हो। और जैसे टाइमिंग क्या क्या बोलते हैं? टाइमिंग भाई किसी को डरना नहीं है, बस सब आओगे, आपने जैसे भागते हो ना घर पे वैसे भागो बस। सुबह आपको टाइमिंग कितनी दी गई मेडिकल के लिए? 6:30 दी। 6:30 जी भाई। तो और अंदर ग्राउंड में खाने पीने को सामान साथ लेके गए थे आप? नहीं, हम तो कुछ नहीं लेके गए, वरना आप लेके जरूर जाना क्योंकि हम खुद भूखे हैं फिलहाल। तो भाई मैंने बहुत सी वीडियो में बताया कि आप अपना खाने पीने का सामान बैग में अंदर साथ लेके जाइए, अंदर आपको जैसे टाइम मिले फिजिकल करने के बाद तो आराम से खाना खाइए, बैठिए, कोई टेंशन नहीं है। वो भी खुद ये बोलते हैं कि अपना खाना है वो साथ लेके आना, यहाँ अंदर कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। स्टाफ स्टाफ बहुत अच्छा है, एकदम अच्छा व्यवहार कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मार मुर कुछ नहीं रहे हैं, आप अच्छा व्यवहार करेंगे आपके साथ, बस आप अपनी मेहनत से आना। ठीक है भाई, बहुत सारी जानकारी मिल गई, नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत।